नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टॉपर में। स्टडी विद टॉपर के आज के अंक में बात करने वाले हैं लोक शिक्षण संचालनालय की जो भर्ती है और उससे रिलेटेड क्या कुछ अपडेट है। जैसे हम पहले ही हमारे इसमें लिखा हुआ है आप हमारे थंबनेल में कि भाई जिसके पास शिक्षा टीचर भर्ती वैकेंसी में अभी तक जिसका नहीं हो पाया सिलेक्शन या जो उसके लिए अप्लीकेबल नहीं था, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। जितने भी हमारे लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत जितने भी कार्यालय हैं जिले में और जितने भी महाविद्यालय और विद्यालय हैं, ठीक है ना, कार्यालय और जो विद्यालय हैं उसमें लिपिक संवर्ग, ठीक है ना, जिसको क्लर्क बोलते हैं, ठीक है, बाबू बोलते हैं जिसको, तो लिपिक संवर्ग ग्रेड 3, ठीक है ना, ये क्लर्क होता है, और रिक्तों की भर्ती के लिए जानकारी मांगी गई है सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों के लिए, ठीक है ना। वैसे तो जब पद जो है जानकारी मांगी थी आज से एक साल पहले लगभग मार्च 2019 में, पर किसी व्यस्तताओं के चलते लोक शिक्षण संचालनालय ने उन्हें वो जानकारी उस समय प्रोवाइड नहीं करा पाए। तो ये 2020 का जो 18 अप्रैल का जो प्रोफार्मा है वो हमें मिला है, ठीक है ना, ये ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला गया, वो भी हम बताएंगे कहाँ से निकाला, आप खुद भी जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें और क्या लिखा है कि भाई इसमें लिखा है कि जो जानकारी मांगी गई थी उपरोक्त संदर्भ में वो मिल नहीं पाई थी, तो और ये निर्देशित किया जाता है कि हमारे द्वारा जानकारी मांगी गई थी पर वो नहीं निकल पाई, और इसमें लिखा है कि अतः निर्देशित किया जाता है कि संभाग अंतर्गत जिलों से प्रवर्गवार रिक्त पदों की, यानी प्रवर्गवार मतलब जितनी भी कैटेगरी होती है उन कैटेगरी वाइज जितनी भी जानकारी वो एकत्रित कर लें और उक्त जिले में सीधी भर्ती का जो ग्रेड 3 और भर्ती का जो पद रिक्त है और वो है या नहीं, कितनी पद हैं उसमें रिक्त, वो सारी जानकारी उसके द्वारा मांगी गई थी। उक्त जानकारी को केवल कितने दिनों में, 3 दिवस के अंदर का संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के लिए तो सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि यह जो प्रपत्र है उसमें विकलांग, निःशक्तजन और पदोन्नति से भरे जाने वाले जो रिक्त पद हैं उनकी जानकारी इसमें नहीं दी जाए, ठीक है। समय सीमा का ध्यान इसमें रखा जाए, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, ठीक है ना, समय सीमा का स्पष्ट रूप से ध्यान रखें। तो 3 दिन के अंदर 18 से निकला तो अब तक वो जानकारी उनके द्वारा पहुंचा दी गई होगी। इसमें लिखा है स्पष्ट रूप से कि 3 दिन के अंदर अंदर आपको 3 दिवस के अंदर में संचालनालय को जानकारी देना है, जितने भी महाविद्यालय कार्यालय हैं और उन्हें लोक शिक्षण संचालनालय को देना है, ठीक है। तो ये भर्तियों का जो सूखा था वो एमपी में उसमें थोड़ी थोड़ी अब जानकारी उसमें से निकलने लगी है, अब ये सूखा धीरे धीरे हटने वाला है जितनी भी जानकारी निकल के आ रही है सामने। जैसे पहले भी पीईवी ने अपनी कैलेंडर को जारी किया और अब लेटेस्ट जो न्यूज़ निकल के आई है वो ये है कि लोक शिक्षण संचालनालय के अंदर के जितने भी सहायक ग्रेड 3 वाले, जितने की इसकी अगर हम योग्यता की बात करें तो इस योग्यता में आप सभी को पता होगा कि इसकी योग्यता है तो CPCT रहती है 12th के पास, साथ साथ आपको PGDCA या DCA या कोपा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ आपके पास होना चाहिए, PGDCA हो, ठीक है, DCA हो या फिर आपका जो है क्या हो, कोपा, ठीक है, ITI का कोपा हो, ये सारी चीज़ें इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हेतु उपयुक्त रूप से महत्वपूर्ण रहती है। तो ये जानकारी थी, इम्पोर्टेंट अपडेट थी और साथ में ये रहती काय के साथ, तो अच्छे साथ रहती है, ठीक। और इसके अलावा आपके साथ अपर जो भी एडवांस आपके पास मतलब ग्रेजुएशन हो तो वो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आगे जो भी सहायक ग्रेड 2 में आने का मौका मिल जाता है ना, ये क्लर्क होते हैं, ठीक है, सहायक ग्रेड 3 कई लोग समझ में नहीं आते थे, क्लर्क होते हैं, ठीक है, जो हमारी एमपी गवर्नमेंट है उसने इसका नाम 1998 में बदल करके, है ना, बाबू जो क्लर्क होते हैं उनका नाम सहायक ग्रेड 3 कर दिया था, टू वालों का कुछ बड़े बाबू टाइप के होते हैं तो उनका नाम 2 कर दिया ताकि उनका कैटेगरी बना रहे किसको कैसा क्या काम देना है। ये भी जानकारी बताएंगे आपको कि इनका नाम कब कैसा बदलाया था, अभी की वीडियो में नहीं, आने वाली कभी वीडियो में, तो आप हमारे साथ बने रहे और इस वीडियो को लाइक जरूर करें पसंद आया था और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है, ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट हम देते रहते हैं आपको। और ये सब जानकारी आपको जो है कैसी लगी वो हमें जरूर बताएं, ठीक है, सभी कुछ जानकारी थी वो कैसे लगी आप जरूर बताएं, और कुछ आपके कुछ पूछने योग्य बातें हैं तो वो भी बताएं कि आप क्या पूछने चाहते हैं। और ये सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी जो ग्रुप 4 में पीवी के द्वारा आती थी तो वो इसी उसी के अंतर्गत आई थी ना, जो ग्रुप 4 होता है उसी के अंतर्गत ही ये वैकेंसी को जारी किया जाएगा, ठीक है, तो आप उसमें बिल्कुल भी संकोच ना करें कि ये कब आएगी और किसके अंतर्गत आई, ठीक है, लोक शिक्षण संचालन अलग से नहीं निकालेगा, पीवी के द्वारा अभी हालांकि कैलेंडर में डाला है, जो ग्रुप 4 करके वैकेंसी आती है वो समूह 4 करके, तो वो समूह 4 में जो वैकेंसीज आती हैं सहायक ग्रेड 3 हैं और ARI की वैकेंसी होती है जिनके पास CPCT नहीं होता वो ARI की, तो वो सारी चीज़ ग्रुप 2 का तो शेड्यूल में डाला हुआ है, ग्रुप 4 का शेड्यूल डाला क्योंकि कई विभागों ने अपनी जानकारी दी नहीं है, तो वो विभागों द्वारा जानकारी दी जा रही है जिसमें बड़ी वैकेंसी इसमें से निकल के आएगी, लगभग
एक बार एक पेपर में भी आया था, आपको पता होगा नहीं पता होगा, 4,000 से भी ऊपर इसी इसमें है वैकेंसी, रिक्त कई समय से नहीं निकली हुई है, ठीक है ना। लोक शिक्षण संचालन में बापू की पोस्ट, ठीक है। तो ये सारी जानकारी कैसी लगी आपको बताएं जरूर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। हाँ, ये बता दूँ मैंने ये जानकारी निकाली कहाँ से है, ताकि आपको पता रहे कि ये फर्जी नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है, और आप भी चाहें तो जाके देख सकते हैं। MP एजुकेशन पोर्टल, मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल 2.0 है, वहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे इसको कुछ नहीं, आप जैसे ही क्लिक करेंगे होम पेज पर आएंगे ना, तो आपको ये दिख जाएगा सबसे ऊपर ही सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों की जानकारी, ठीक है ना। ये जानकारी आपको 18/5 की मिल जाएगी, सर्कुलर उनके द्वारा जारी किया गया था। तो इस पर आप जैसे ही यहाँ पे आके आप जो है इसको व्यू करेंगे, तो आप इसे व्यू करके देखेंगे तो आपको ये नोटिस आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा 18/5 का, ठीक है। और कोई जानकारी, और सारे ग्रेड 3 वाले भाई जितने भी हैं और जो CPCT करे हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है, तो तैयारी में लगे रहें, ठीक है ना। 3-3.5-4 हज़ार इसमें आ जाएगी, और बाकी की वैकेंसी और भी पदों और भी विभागों से आएगी, तो लगभग वैकेंसी ज़्यादा आने के चांसेस भी हैं, 2 साल से भी आई नहीं हुई इसमें, ठीक है ना। 18 वैकेंसी आपको पता ही नहीं आई, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है।